हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ फ्लिपकार्ट कुर्ती का रिव्यू करूंगी, साथ ही आपको बताऊंगी इस कुर्ती के साथ आपको किस टाइप के सैंडल्स पहनने हैं, पर्स पहनने हैं, साथ ही कैसे एसेसरीज यूज करनी है, इसके बारे में फुल्ली डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। गाइस, अभी मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से ये कुर्ती ऑर्डर की थी जो कि आप देख सकते हैं। मुझे इस कुर्ती का कलर बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी प्राइस भी 399 रुपीज है, ज़्यादा नहीं है। आपको फ्लिपकार्ट पे इतनी कम प्राइस में कुर्ती मिलेगी। मैंने इससे पहले भी कुर्तीज पे वीडियो बनाए, अगर आपको इस टाइप की कुर्तीज अच्छी लगती है तो आप ये ऑर्डर कर सकती हैं। सो गाइस, आप देख सकती हैं ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसमें यहाँ पर ये डोरी है जिससे आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके प्राइस 399 रुपीज है और इसमें मेरा जो साइज़ है वो स्मॉल है। आपको साइज मिल जाएंगे, जो आपको साइज अच्छा लगे आप ले सकते हैं। और आगे से ये फ्रंट ओपन है, बट उसके बाद भी ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे सबसे ज्यादा इस कुर्ती का कलर बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे इस टाइप के ही कलर काफी अच्छे लगते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस टाइप की कुर्ती अच्छी लग रही है तो आप ले सकती हैं। लॉन्ग है और ये इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिस्टर का फैब्रिक है जो पसीने को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके साथ मैंने ये सैंडल्स ऑर्डर किए थे जो कि आप देख सकती हैं। इसमें मेरे जो सैंडल्स का साइज है वो 38 है और इनके प्राइस भी 399 रुपीज है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगे। साथ ही मैं इसे आपको एक स्नैकर्स पर भी पहनकर दिखाऊंगी कि अगर आप स्नैकर्स पर पहनती हैं तो स्नैकर्स पर कैसे लगते हैं। सो आप डिफरेंट स्टाइल से पहन सकती हैं। साथ ही जब भी आप इस टाइप की अगर कोई भी ड्रेस पहन रही है तो जहां तक हो सके आप दो लिपस्टिक चूज कर सकती हैं, या तो आप रेड कलर की लिपस्टिक लगाइए या फिर आप न्यूड कलर की लगाए, और अभी मैंने न्यूड कलर की लगा रखी है। आप चाहे तो रेड और न्यूड कलर को मिक्स करके भी लगा सकती है, वो भी काफी अच्छी लगेगी। और इस ऑक्सीडाइज की एसेसरीज अगर आप पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके साथ आप इस टाइप की जो फ्लोरल वॉच होती है वो आप पहन सकती हैं जो कि बहुत ही एक सुंदर लुक देता है। ज्यादा आप कुछ भी मत पहनिए, जहां तक जितना हो सके अगर आप सिंपल रहेंगी तो सिंपल आप ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो इसे मैं आपको पहनकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको पहनना है, साथ ही कैसे एसेसरीज पहननी है, साथ ही आपको कैसे ड्रेसअप होना है। सो गाइस, ये कुर्ती पहनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस तरीके से स्लीव इसके कट है और सामने से ये फ्रंट ओपन है। और इसके साथ आप इस तरीके से ज्वेलरी पहनिए जो कि सिल्वर में, सिल्वर के ही इयररिंग्स अगर आप यूज़ करेंगे सिल्वर ऑक्सीडाइज के तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। और रिंग पहनिए, साथ ही मैं यहाँ पर न्यूड कलर की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ और मैं यहाँ पर स्लीपर्स पहन रही हूँ जिससे इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आता है। तो इस तरीके से भी आप ड्रेसअप हो सकते हैं। अगर आप वेकेशन में कहीं बाहर जा रही हैं, समर में अगर आप बाहर जा रही हैं इवनिंग में, तो इस टाइप से आप ड्रेसअप हो सकते हैं। मैं इस कुर्ती का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे कुर्ती का कलर बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, सेकेंड लुक में मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखा है, ज्वेलरी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं पहनी है। साथ ही मैंने यहाँ पर सनग्लासेस लगाया है और इस तरीके से स्नैकर्स पहने हैं। तो इस तरीके से भी आप रेडी हो सकती है। इनमें से आपको कौन सा लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ड्रेसअप आपको कैसा लगा, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपके माइंड में भी कुछ अलग से रहता है कि कौन से स्नैकर्स पहननी चाहिए या सैंडल्स पहननी चाहिए या लिपस्टिक, अगर आपके माइंड में भी कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।